गोलमाल सीरीज, सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस और बोल बच्चन जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने के बाद निर्देशक रोहित शेट्टी ने फिल्म दिलवाले बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 375 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म ने न सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई थी। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म की शूटिंग कैसे हुई थी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिलवाले फिल्म के बिहाइंड द सीन दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको उस सीन का बिहाइंड द सीन दिखाते हैं जब काजोल की कार को जॉनी लीवर बीच सड़क पर रोकते हैं और उसके बाद दोनों में बहुत कॉमेडी होती है और इसके बाद काजोल जॉनी को डंडे से मार के भगा देती हैं। बीटीएस में देखिए इस सीन को कैसे शूट किया गया था। इस सीन को कई टेक्स में शूट किया गया था। अब इस बिहाइंड द सीन में देखिए क्लाइमेक्स सीन में शाहरुख खान का एंट्री सीन कैसे शूट हुआ था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फिल्म में वरुण धवन का बार वाला फाइटिंग सीन कैसे शूट हुआ था। आपको बता दें कि ये कोई असली बार नहीं थी। इस सीन को शूट करने के लिए स्पेशली इस बार को बनाया गया था। इस सीन को फिल्माने के लिए कई स्टंटमैन और हार्नेस केबल की भी मदद ली गई थी। वरुण के कमर पे दो हार्नेस केबल लगाए गए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आपको सीन का बिहाइंड द सीन दिखाते हैं जब शाहरुख खान गुंडे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। बीटीएस में देखिए जिस बंदूक से एसआर के गोलियां चलाते दिख रहे हैं वो बिल्कुल नकली है। शाहरुख के सीन को शूट करने के लिए भी हार्नेस केबल की मदद ली गई थी, जैसा कि आप क्लिप में देख पा रहे हैं। दोस्तों, फिल्म शूटिंग के साथ साथ सेट पर मस्ती मजाक होना आम है। खासकर रोहित शेट्टी की फिल्मों की शूटिंग जब होती है तब बिहाइंड द कैमरा बहुत मस्ती होती है, जैसा कि आप क्लिप में देख पा रहे हैं। काजोल वरुण धवन के साथ मस्ती कर रही हैं। हर सिने प्रेमी को ये बात पता है कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में गाड़ियां उड़वाते ही हैं। दिलवाले फिल्म में भी कार चेजिंग सीन में कई गाड़ियां उड़ने के सीन्स हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कार चेजिंग सीन है जब वो गुंडों से बचने के लिए कार को ब्रिज से जंप करते हैं। फिल्म में ये सीन दर्शकों को काफी दिलचस्प लगा था, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और ही है। चलिए देखते हैं इस बीटीएस क्लिप में कि आखिर इस सीन को कैसे शूट किया गया था। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कार जंप को शाहरुख ने नहीं बल्कि एक स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। इस कार को जंप कराने के लिए सबसे पहले एक ब्रिज पर रैंप लगाया गया था और ब्रिज के नीचे सैकड़ों कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए गए थे, ताकि जब कार जंप करके ब्रिज के नीचे गिरे तो ड्राइवर को चोट न लगे और कार को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चलिए बार वाले सीन का एक और बीटीएस देखते हैं, जब वरुण धवन एक गुंडे को अपने घुटने से मारते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक कप्स सजाए गए थे और एक स्टंट मैन के कमर पे दो हार्नेस केबल बांधकर उसे खींचा गया था। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। इन्हीं में से एक गाना है मनमा इमोशन जागे, जिसे अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा एंड अंतरा मित्रा ने गाया है। इस गाने को बुल्गारिया में शूट किया गया था और इसे रेमो डिसूजा ने कोरियोग्राफ किया था। इस गाने में कई सारी लग्जरी कार्स भी दिखाई गई थी जो बिल्कुल असली थी। बीटीएस में देखिए कैसे वरुण के कार से जंप सीन को शूट करने के लिए मैट्रेस की हेल्प ली जा रही है, ताकि जब वो कार से जंप करें तो उन्हें चोट न लगे। इस बिहाइंड द सीन में देखिए शाहरुख और काजोल का ये एक्शन सीन कैसे शूट हुआ था। फिल्म के क्लाइमेक्स में एसआरके की बहुत सारी एक्शन सीन्स हैं। इस सीन को फिल्माने के लिए एसआरके के पीठ पर हार्नेस केबल और बॉडी में बेल्ट लगाए गए थे, जैसा कि आप क्लिप में देख पा रहे हैं। अब आपको सीन का बिहाइंड द सीन दिखाते हैं जब सड़क से जा रही काजोल को एसआरके अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। इसके बाद वो गाड़ी से उतर के काजोल को उठाते हैं। बीटीएस क्लिप में आप देख सकते हैं कि इस रोमांटिक सीन को शूट करने के लिए कैमरे को ट्रैक रेल सिस्टम पर सेट किया गया था, ताकि सीन स्मूथली शूट हो सके और काजोल के हेयर को उड़ता हुआ दिखाने के लिए एक एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि आप बीटीएस में देख रहे हैं कि एक आदमी ब्लोअर लेके सड़क पे लेटा है। चलिए अब कार ड्रिफ्ट सीन का बिहाइंड द सीन देखते हैं।
फिल्म के सबसे सुपरहिट सॉन्ग टुकुर टुकुर तो आपने एक न एक बार तो जरूर सुना ही होगा। इस गाने ने भी खूब धूम मचाई थी। चलिए BTS क्लिप में दिखाते हैं आपको कि ये गाना कैसे शूट हुआ था। इस गाने को शूट करने के लिए एक सेट तैयार किया गया था और इसे गणेश हेगड़े ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में कुछ और कार चेजिंग स्टंट सीन हैं जिन्हें फिल्माने के लिए कई सारे स्टंटमैन की मदद ली गई थी। BTS में देखिए कैसे रोहित शेट्टी ये कार स्टंट सीन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये थे फिल्म दिलवाले के कुछ दिलचस्प बिहाइंड द सीन्स। दोस्तों जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।